सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है राजा, तो आप लोग देख रहे हो वीडियो गेमर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करता हूँ एक और न्यू GTA 5 के वीडियो में। तो गाइस, तुमको है ना थोड़ा मैं रिकैप कराने वाला हूँ पिछले वाले एपिसोड का। गाइस यार, तुमको बताऊँगा पिछले वाले एपिसोड में लॉस गैंग के बंदों ने जिधर अपना भाई शोरूम बना था वहाँ पर भाई अटैक कर दिया रिवेंज लेने के चक्कर में भाई। और ये रिवेंज के चक्कर में भाई माइकल भाई इतना गुस्से में आ गया था क्योंकि भाई मीटिंग और उनके बेस में जाके भाई वॉर का ऐलान भाई अब माइकल ने ही स्टार्ट कर दिया, और एंड भी भाई अब माइकल ही करेगा। जब से अपन भाई खेल रहे थे उनके साथ जान दो छुप गैंग से पंगे नको, और ऊपर से ये न्यू जनरल आया वाला है, तो भाई ये सब क्राइम नहीं, इसलिए आपने सोचा था भाई ये सब कुछ छोड़ के बिजनेस डाल लेंगे, सुखी से मतलब प्रॉफिट में रहेंगे और अपने को अच्छा खासा पैसा आएगा। भाई इंसान को क्या चाहिए, पैसा आएगा, फैमिली खुश रहेंगी, बस माइकल ने ये सोचा था। बट नहीं भाई, लॉस गैंग के बंदों ने भाई शोरूम की वाट लगा दिया भाई। मेरा तो दिमाग सरक गया, कल मैं गया घर पे जाके सोगा, और सोए बाद मैं अभी उठा हूँ भाई। अभी तुम जैसे कि देख सकते हो 12 बज रहे हैं, मैं अभी उठा हूँ और यहाँ पे आया हूँ। लेस्टर ने बोला अभी कुछ भी मत कर, मैं प्लान बना रहा हूँ उसका, तू टेंशन मत ले, लॉस गैंग से अपन बदला लेंगे। क्योंकि भाई मैंने लेस्टर को यार पहले ही बोल दिया था मेरे को भाई रिवेंज चाहिए। मेरे को नहीं पता भाई रिवेंज चाहिए मतलब चाहिए भाई, नहीं तो मैं जाऊँगा कुछ भी कर दूंगा, फिर जनरल मेरे पीछे लगेगा, मैं उसकी वाट लगा दूंगा, जूंगा देखा जाएगा। तो भाई लेस्टर इसी डर की वजह से भाई लेस्टर ने मेरे को हाँ बोल दिया था। लेस्टर बोला भाई ठीक है तू शांति रखना, मैं प्लान बनाता हूँ। तो ठीक है भाई, मैंने ओके बोला। अभी एक दिन हो चुका है भाई पूरा, अभी तो भाई कुछ हुआ नहीं है। तुमको बताऊंगा जनरल जब से आया ना तो थोड़ी शांति है भाई सहन में, बट अभी थोड़े दिनों में अशांति हो जाएंगी। मैं यार लॉस गैंग का भाई मेरे को एंड करना है, मैं लेस्टर को बोल दिया। बाकी अभी भाई मैं ये वाली जगह पे आया वाला था, को मेरे को यार माइकल के एक फ्रेंड ने बोला था। हम बोले तो यार माइकल के एक फ्रेंड ने बोला था तेरे पास पैसे है, उसको ऐसा मालूम पड़ा है। मेरे को नहीं मालूम यार उसको कैसा मालूम पड़ा है, शोरूम बना रहा था ना मैं, तो उन्हें बोला ये जगह खरीद ले। तो यार मैं जगह देखने ही आया था भाई यार। बाकी बढ़िया है, यहाँ पे क्या होता है यार मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। बाकी नाव व्यू रेंट पे देते हैं शायद इधर। तो यार अभी तुम मैं कुछ भी करने के लिए यार मेरे पास है नहीं, मेरे को तो यार बहुत गुस्सा आया वाला है। ठीक है, तो यार अभी मेरे पास करने में यार कुछ भी नहीं है। और जो शोरूम रहा है अपने, जो शोरूम है उसको भाई मैंने बोला थोड़ा होल्ड पे डाल दे, थोड़ी मेरी परेशानी चल रही है ये जो गैंग का है। तो मैंने प्रोड्यूसर को बोल दिया भाई थोड़ा रुक जा देखते हैं। बाकी मैं लेस्टर को यार बात करने वाला हूँ, लेस्टर जो बोलेगा फिर यार देखूंगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेरे को यार नुकसान हो चुका है भाई। मेरे को यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा नुकसान होगा मेरा यार। अभी मैं जा रहा हूँ भाई माइकल के भाई बाल और दाढ़ी कटाने। यार माइकल का लुक यार पूरा बिगड़ चुका है यार, तुम देख सकते हो। और बाकी मैंने माइकल को यार आज नीला भी दिया, बिना नहाए धोया आया था। तो ठीक है यार, बाकी मैंने फरारी लेके आया, मैंने क्या बोलते गैराज में यार फरारी गाड़ी के भाई वहाँ पे बाइक रख दिया। फरारी यार चलाने का बहुत मन था, बहुत दिनों से भाई मैंने फरारी नहीं चलाया था। तो चलो आप अपन जाते हैं कटिंग की दुकान पे, जाएंगे थोड़ा बहुत करेंगे भाई माइकल को अच्छे से तैयार, मतलब तो एकदम फैशनेबल बनेंगे माइकल को। और देखते हैं भाई लेस्टर का कब तक कॉल आता है, जब तक लेस्टर का कॉल नहीं आया मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ यार। वो सुनना ही पड़ता है भाई लेस्टर का, बिना सुनने यार मैं कुछ भी कर दूंगा। तो लेस्टर भाई समझ रहा ना भाई, मतलब यार लेस्टर एक टाइप से बॉस है भाई। लेस्टर करेगा, लेस्टर अपने वो मिलिट्री से भी बचेगा, और क्या क्या नहीं करेगा मेरे को खुद को भी नहीं मालूम। पर लेस्टर पे मैं भरोसा है यार, उन्हें मैं कोई रिवेंज दिलाएंगा, बदला तो लूंगा भाई। लॉस गैंग देखो, लॉस गैंग है ना अपनी, ये जो लॉस सेंटर्स की गैंग है सबसे बड़ी गैंग है, इसलिए बोला लेस्टर थोड़ा शांति रख, उसके बॉस को आन दे। अब मेरे को नहीं मालूम यार लेस्टर क्या करना है, मेरा तो दिमाग पहले सरका, मेरा इतना दिमाग नहीं चलता है, बाकी जो है लेस्टर का ही दिमाग चलता है। देखते हैं लेस्टर यार, आज मेरे को लेस्टर ने बोला था एक दिन का टाइम दे, मैंने उसको एक दिन का टाइम दिया। एक दिन में भाई लेस्टर कुछ उखाड़ेगा नहीं, मैं तो भाई लॉस गैंग जिधर दिखे उधर उड़ाने वाला हूँ ट्रैवल फ्रैंकलिन को लेकर। भाई ट्रैवल फ्रैंकलिन तो गुस्से में बैठे हैं, ऑर्डर दे बोल रहे भाई। बाकी फ्रैंकलिन तो अभी घर पे ही है, मैंने फ्रैंकलिन को यार कल घर पे छोड़ दिया था, रात वो तैयार हो गई थी। और बाकी मैंने आउटफिट भी यार चेंज ही कर लिए थे। और गाइस जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना। अबे ये क्या है भाई, ये क्या ग्लिच है? अबे भाई भाई मार रहा है भाई बंदा। अबे भाई ये क्या है, इनविजिबल? अबे भाई ये ग्लिच आई थी। अबे भाई कोने में तू साले, मेरा गॉगल उतार दिया तेरी भाई, इसको चार हजार वो तेरी, मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा, निकल साले भाई लिटरली। और मेरे को नहीं मालूम ये आई थिंक भाई ग्लिच है कुछ तो। हाँ भाई ग्लिच है, ये ग्लिच होगा गेम। अब भाई वो होगा ही, जाहिर सी बात है ग्लिच तो होगा ही, क्योंकि भाई 150-100 GB का गेम, थोड़े बहुत तो बग निकलते, आप क्या ही कर सकते हैं अपन। हाँ और मैं क्या बोल रहा था भाई, वो छोड़ यार, वो बंदा अचानक मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा भाई सामने गाड़ी है, मैं आराम से वहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक ठोकर खा लिया, क्या ही बताओ यार। और हाँ मैं बोल रहा था भाई लाइक कर देना, अपन 100 लाइक का एम रखते यार, तुम 50 भी नहीं करते, और 20 ही लाइक कंप्लीट कर देना ठीक है।
देखते भी नहीं यार पूरा वीडियो, देखा करो यार मज़ा आती है। और बाकी कमेंट भी कर दिया करो, और मेरे को तुमको यार तुम्हें मुझसे बात करनी है तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करके मेरे से तुम बात कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे तो वही मैं 24 घंटे लाइव ही रहता हूँ, आई मीन भाई एक्टिव रहता हूँ। तो फाइनल यार अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं कटिंग की दुकान पे। वो थ्री भाई या फरारी भाई बहुत खतरनाक है, सही बता रहा हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। फरारी चलाना बोले तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है चलो अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अरे ये क्या लफड़ा है भाई, मैं उतरा जब भी उतरा ही अंकल, ये क्या मजाक कर रहा है क्या वही ने। तो ठीक है यार चलो कटिंग की दुकान पे यार पहुँच ही चुके हैं अपन। इधर है वो कटिंग, हाँ ये रही। चलो यार अपन माइकल के भाई सेविंग वीविंग कराते। वाकई यार वो नमूने में गॉगल उतार दिया, माइकल ने भाई गॉगल उतार के अंदर रख दिया। और ये कौन सा एनिमेशन चालू हो नो चुका यू गेम। फाइन, अरे यू टू यार आर द ये बॉम, बंदा भाई यू आर बहुत द बॉम, भारी है स्टॉप भाई, मेरे को स्टॉप स्टॉप ये स्टॉप स्टॉप लड़का स्टॉप भी नहीं, इज लड़की भी अमेजिंग। नहीं लगता, तुम नो समझ यू लो नेक्स्ट भाई। टाइम यू हैव टू टेल मी व्हाट हैपेंड अंडरनीथ द बॉर्डरूम अभी टेबल। देखना ओके, आई विल तुम, गेट मैं माय जब कटिंग असिस्टेंट कराऊंगा ना टू जब इन्हें क्या अ ब्लो बोलेंगे। ड्राई नेक्स्ट वीक। ओए सी यू कर सून। क्या रहा है इन्हें, ओ भाई साहब, ओ लेट्स हैव अ भाई। लुक सी। हाँ भाई लुकी बनाने के लिए आया हूँ। चलो यार यू लुक लाइक बैठते समवन दैट नोज व्हाट दे वांट। भाई, ये आई बंदा मेरे लाइक को दैट। बीच का लगता है, ऐसे बता रहा हूँ इसके हरकतों से। पहली बार आया था जब ही, समझ नहीं आता हूँ। बाकी हेयर स्टाइल देखते हैं कौन सी कौन सी इसके पास। यार इसमें मेरे को ये नहीं समझता, इसमें ऑटोमेटिक बाल कहाँ से उगते आया। तुम्हें यार कुछ पता होगा तो यार बता ही देना। और ये क्या आ गया था वे, पता नहीं। हाँ भाई माइकल के बड़े भी बाल करना सकता है यार, टकला कर दूँ क्या माइकल को। नहीं भाई टकला नहीं करते भाई, यार नॉर्मल ही रखते हैं यार, नॉर्मल है। आप आई पैसा बहुत लव यार, द कुछ आउटफिट यू हैव टेंशन ऑन नहीं अपने को। टुडे। गॉर्जियस। अबे क्या हो रहा है ये, ओ थेरी की कुछ भी हो रहा है भाई बंदा। ओके चलो बाल तो आने में पीछे दिख रहे हैं अभी, बाकी बियर्ड देख लेते हैं अपन। बियर्ड यार अपने को फुल सेविंग करा दूँ यार, इतनी करो। और ऑटोमेटिक बियर्ड भी उगती है ये ग्लिच नहीं समझा मेरे को यार। जान तो क्लीन करा देता हूँ माइकल भाई, क्लीन में अच्छा दिखता है। ठीक है चलो यार मैं क्लीन करा ही देता हूँ। ओके चलो, इन्हें क्या करता है क्या भाई पता नहीं, ये गेम बहुत ही चल रहा है भाई, इसे बता रहा हूँ। बाल उग जाते हैं ऑटोमेटिक, रियल लाइफ में ना तो यार कितने भारी दिखेंगे बंदे, आप समझ लो। ठीक है चलो यार मेरे को अब माइकल तो अच्छा ही दिख रहा है। ठीक है चलो बहुत हुआ बाय भाई, ब्यूटीफुल। ये देखो ये डायलॉग की वजह से मेरे को बिच्छा लगता है, बाकी तुम समझ लो। और माइकल भाई संभाल के रहता है भाई से, क्या ही बताओ यार अब तुमको मैं। तो ठीक है चलो आप बैठे फरारी में, और देखते हैं और कुछ करना कर सके तो करते। वो फाइनली गाइस मेरे को अभी लेस्टर का यार कॉल आया, लेस्टर ने भाई मेरे को ना सीक्रेट हाउस को बुलाया। तो मैं यार बताऊंगा, अपने पास एक सीक्रेट हाउस भी है, लेस्टर ने अपनी सिक्योरिटी के लिए लिया है। तो मैं यार बताऊंगा कि भाई कभी भी है ना किधर भी अटैक हो जा रहा था बीच में, तो लेस्टर ने उसकी वजह से लिया भाई। कभी क्या भाई शोरूम पे इतना बड़ा अटैक होगा, और क्या चाहिए। तो जो अपना सीक्रेट हाउस है इधर है, तो मैं बताऊंगा भाई छोटा हाउस है जिससे भाई शक भी नहीं होता है। और लेस्टर भाई कराम आती है भाई, सही में बहुत ज़्यादा कराम आती है लेस्टर। तुमने देखा ही होगा एपिसोड में, जो रेगुलर देख रहे हो उनको पता होगा वो हाउस कितना छोटा है। और मेरे को भाई ये GTA 5 का ग्लिच नहीं समझ में आ रहा, मेरा अभी मोबाइल इनविजिबल हो गया था, से बता दूँ यार मेरे को इसको समझ में नहीं आया, रीइंस्टॉल मारना पड़ेगा क्या गेम, बताना भाई इसका कुछ सल्यूशन होगा। तो चलो आप फटाफट अपन लेस्टर के पास पहुँचते, देखते यार लेस्टर क्या प्लानिंग बना है। मेरे को लेस्टर पे भरोसा है, लेस्टर अब मदद तो करेगा, बट मेरे को नहीं मालूम यार लेस्टर की प्लानिंग बहुत अलग रहती है। और वो बंदा एंड टाइम पे पूरा प्लान बनाता है बताता है, और एंड टाइम पे भाई प्लान बता भी दिया ना, एंड टाइम पे बदल भी देता है। उसका दिमाग भाई क्या चलता है उसको कुछ नहीं मालूम है यार, हैकर है तो जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन ले लेके बताता होगा ना इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से उन्हें प्लान बदल भी देता है भाई, एंड टाइम पे बदल देता है भाई प्लान। इसलिए भाई मेरे को उस पर गुस्सा आता है, और उन्हें एक तो पूरा प्लान बताता नहीं ना, इसलिए मेरा दिमाग सरकता है। अभी देखते हैं लेस्टर मेरे को क्यों बुला रहा है, प्लान बता दिया तो यार बढ़िया, आज ही भाई दी एंड कर देंगे भाई। तो क्या लपड़ा है ये भाई, यार ग्लिच चल रहे है गेम में लिटरली इनविजिबल का भाई यार ग्लिचूंगा भाई, ये कहे का तो ग्लिचूंगा आई थिंक। अब कार है क्या इधर, अरे रे रे कार है भाई, सही में कार है, इनविजिबल कार है भाई। पता नहीं भाई ग्लिच चल रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। छोड़ो भाई उतना भी टाइम नहीं, अगले बार अपन निकलते फटाफट यहाँ से। अरे एक सेकेंड में, एक बार सेटिंग है यार, एक बार चेक कर लेता हूँ GTA 5 की। एक सेकेंड भाई यार, सेटिंग वेटिंग यार सब बराबर है यार, ये ग्लिच ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता ग्लिच के अलावा। बाकी चलो अपन यहाँ पे फाइनली पहुँच भी चुके हैं लेस्टर के पास, देखते हैं लेस्टर ने भाई यार ये क्या लपड़ा है
समझ में नहीं आ रहा यार, मैं लिटरली दिमाग करके हाला मेरा कारा किधर भी टप खैरी भाई इनविजिबल ये क्या मजाक है, मजाक हो रहा है क्या मेरे साथ ये? ठीक है चलो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और बहुत लोग न्यू होंगे तो यार बोल रहे होंगे ये कैसा सीक्रेट हाउस है, यहाँ पे सेल लिख आ ली है। तो भाई ये लेस्टर ने प्राइवेसी के लिए रखा है यार, मेरे को नहीं मार लेस्टर जा रहे भाई। लेस्टर बोल रहा था भाई ये, हाँ भाई फर्स्ट टाइम मैंने जब ये हाउस को देखा था ना तो फॉल साइड देख के मेरे को लगा था भाई बिक रहा है, बट नहीं ऐसी बात नहीं थी। लेस्टर ने बोला भाई ऐसे तू बिचका है वैसे ही दूसरे बंदे बिचकेंगे, इसलिए यार ये सेफ सेफ हो सकता हो एक टाइप से भाई, ये अपने लिए एक सेफ हाउस के लिए काम करने वाला है। बाकी चलो यार मैं अंदर तो आ चुका हूँ, देखते हैं लेस्टर कहाँ पे है। ओ तेरी, अबे ड्राइवर काम कर रहा भाई, ने काम करा रहा है क्या ड्राइवर? भाई बेचारा थका भाई खड़े हो गए। अब वो तेरी भाई कर रहा है भाई, काम कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है क्या घर की? और लेस्टर भाई आज न्यू आउटफिट में, वो तेरी ये क्या मजाक है लेस्टर भाई। ठीक है यार चलो लेस्टर से बात करते हैं, देखते हो यार ट्रैवल यार तेरे को देख के ये आउटफिट में आबा भाई, ट्रैवल बहुत खतरनाक बंदा है, लेस्टर की बात मानता भाई हमारी नहीं मानता, उल्टी बातें करता है हमको। चलो ठीक है लेस्टर से बात करते हैं, देखते हो भाई लेस्टर ने कुछ प्लानिंग बनाया कि नहीं, नहीं बनाऊंगा तो भाई इसको आज ही अपन दी एंड कर देंगे लेस्टर का, वो लॉस लॉस गैंग को बाद में देखेंगे, लेस्टर की बात लगा देंगे। एक दिन का टाइम दिया था भाई, गुस्से में बैठा है भाई कल बहुत। चलो यार बात करता हूँ इससे तो। ऑल राइट गाइस, लेस्टर से आज मेरी बात हो चुकी है, बाकी भाई ने ट्रैवल से सही में काम कर रहा था यार। लेस्टर भाई जो है उसकी कमर तुमको पता है टेढ़ा कर होता है, कमर में उसकी दर्द है, लंगड़ा भी है यार, अब क्या कर सकते हैं। तो भाई ड्राइवर ने टी ए वाला काम कर दिया, और ड्राइवर मान गया, और बाकी थका है ड्राइवर बोल के खड़े वाला है जब से इन्हें पूरा घर साफ कर रहा था। बाकी यार मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है, लेस्टर तो भाई कुछ बताओ कुछ भी नहीं बोला मेरे को लेस्टर ने, सिर्फ एक काम दिया है लेस्टर ने मेरे को, एक जगह पे जाना है, और अभी लेस्टर मेरे को एक सूटकेस देने वाला है, उसमें भाई थोड़े बहुत पैसे, वहाँ पे जाके एक हेलीकॉप्टर लेके आना है, और वो हेलीकॉप्टर भाई ड्राइवर का जो पुराना घर है वहाँ पे, ड्राइवर ने वहाँ तुमको यार पता नहीं होगा, ड्राइवर के पास एक क्या बोलते भाई वो, अबे भाई इधर एयरप्लेन एयरपोर्ट एयरपोर्ट है भाई ड्राइवर के पास, वो गांव वाला एयरपोर्ट है, तो ड्राइवर ने भाई पहले खरीद के रखा है, तो वहाँ पे जाके वो हेलीकॉप्टर को लैंड कराना, लेस्टर ने मेरे को इतना ही बोला। और एक उसके बारे में वो स्पेशल चीज़ है हेलीकॉप्टर के, मेरे को नहीं पता भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेस्टर ने अभी मेरे को जितना बोला उतना ही कर बोला, बाकी की बातें मैं तेरे को बताऊंगा। तो ठीक है चलो जाते हैं, बाकी ने अभी मेरे को सूटकेस देने वाला, तो इससे मैं फटाफट सूटकेस लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, यार मैंने भाई सूटकेस ले लिया, आई मीन भाई ब्रीफ केस, इसके अंदर जो है थोड़े बहुत पैसे, कितने मेरे को भी अंदाजा नहीं है, बाकी अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेस्टर ने बोला भाई फटाफट यहाँ से निकल, और जो बंदा है वहाँ पे भाई जाना है अपने को, लेस्टर ने थोड़ी बहुत बातें बोली है, ऐसा बोल वैसा बोल, अब लेस्टर का भाई दिमाग चलता है मैं क्या ही बोलूँ। तो लेस्टर ने वो बातें बोल बोला है, ठीक है चलो अब मैं फटाफट चलता हूँ वो लोकेशन पे, और ये बंदे को सूटकेस देकर वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके आना है। और भाई एक कमाल की चीज़ भाई, उन्हें मेरे को ये हेलीकॉप्टर के बारे में बताया, तो बाकी ये वाली लोकेशन है भाई, ठीक हो जाना इधर जाना है भाई आप लोगों को, और फटाफट अब यहाँ पे अपन चलते हैं। तो ठीक है भाई चलो चलते यार, बहुत ज़्यादा ही दूर है यार वो लोकेशन, सही में बहुत ज़्यादा दूर है। तो ठीक है चलो, ओ तेरी यार भाई फरारी, सही बता रहा हूँ फरारी ने मेरा दिमाग सड़का के रखी है क्या ही बताऊँ। पहले यार चलाने की आदत थी भाई, अब आदत मेरी जा रही है भाई फरारी की चलाने की, मैं क्या ही बोलूँ। अबे यार ये क्या ग्लिच है अबे, मेरा दिमाग सड़क रहा भाई ये ग्लिच के चक्कर में, इनविजिबल कार कहाँ से आ रही भाई ये, और भाई ग्लिच व्लिच होगा क्या गेम भाई? यार अब रिस्टार्ट करने जाऊंगा भाई, वापस से मिशन कौन करते बैठना यार, एडजस्ट कर लेना आज के दिन भाई, लिटरली दिमाग से रख रहा है ये क्या है भाई यार। GTA 5 वालों ये कौन से ग्लिच है भाई, ठीक करो ये ग्लिच, ये कुछ नहीं मालूम भाई। अरे इसकी भाई इसको चारा डालू, बे 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 भाई गाड़ी देख के चलाया पड़ेगा सही में भाई, लिटरली समझ में नहीं आ रहा भाई कार किधर है, वो भाई कार है क्या किधर सही में। हाँ गाइस, और जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर देना, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना, लिटरली भाई हंसी आ रही है भाई, ग्लिच मार रहा गेम, अब मैं क्या ही बताऊँ भाई, ऐसा थोड़ी ग्लिच मारता है भाई, आप 100-150 GB का गेम होके भी ग्लिच मार रहा है यार, थोड़े बहुत निकलता है बट इतना ज़्यादा ग्लिच वो भी पहली बार हो रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका कोई सोल्यूशन होगा तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी भाई फरारी की स्पीड इतनी है कि भाई अपन बहुत कम समय में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इसलिए भाई मैं फरारी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ऐसे ये नमूना है ना लेस्टर भाई, कभी भी कौन सी भी काम लगा देता है ना, इसकी वजह से
फरारी यूज़ करना बेस्ट ऑप्शन है। तुम लोग भाई मिशन करते हो तो भाई फरारी ज़रूर से यूज़ करा करो, या तो ऑर्डर कर लो फरारी, या भाई किधर से चुरा लो जैसे अपन ने चुराया थी। लेस्टर को बोल देना भाई, उन्हें कर देगा तुम्हारा काम। ठीक है चलो यार, अपन पहुँचने वाले। देखो भाई कितनी स्पीड में निकल रही है भाई फरारी, वो तेरी की 300 की स्पीड पार कर ली थी वो, इसलिए तो यार पसंद है। बाकी यार चलो पहुँचने ही वाले हैं अपन, और मैं ये पार्ट को स्किप नहीं करना चाहता हूँ तुमको यार। मैं आज पूरा GTA 5 का गेम प्ले दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बंदे बोल रहे हैं हमको फुल GTA 5 का गेम प्ले चाहिए, स्किप करो मत। ठीक है, इसलिए यार मैंने तुम्हारी बात सुन लिया। यार तुम यार लाइक नहीं करते ना यार, बुरा लगता है, इसलिए भाई मैं क्या ही बताओ यार, लाइक कर दो यार। तुम वीडियो पूरा देखोगे तो भाई मैं फुल डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तुम यार वीडियो पूरा नहीं देखते हो ना, इससे ज़्यादा रिकमेंडेशन में नहीं आता, और व्यू भाई अपने वो पहले से ही कम आता, क्या कर। बाकी यार तुम सपोर्ट करोगे तो अपन भी बन जाएंगे भाई यूट्यूबर, तो थोड़े बड़े बन जाएंगे, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है चलो यार, अपन फाइनली भाई पहुँचने वाले हैं। पहुँचने का क्या भाई, पहुँच भी गए और अब यहाँ पे से मैं किधर जाऊँगे, पहाड़ के टाइप उधर है भाई वो, ये पहाड़ के उधर है। तो ठीक है भाई, यार मेरे को पहले मालूम रहता था ना पहाड़ के उधर है, मेरे को नहीं मालूम था भाई उधर रास्ता नहीं यार। मैं ऑफ रोड व्हीकल तो नहीं है फरारी, बट अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार, कार को भाई धोना पड़ेगा। अबे बे 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 भाई यार बच गई भाई यार, इसको अपग्रेड को डालना पड़ेगा भाई। इसको मैं बेनी को बोलूँगा भाई अच्छे से भाई इसको अपग्रेड करके दे भाई, वाट लग गई भाई। ऑफ रोड व्हीकल नहीं है भाई, ये रेसिंग की व्हीकल है, और मैं भाई इसको अब मेरा दिमाग देखो भाई, ऑफ रोड व्हीकल बना के चला रहा हूँ इसको। ठीक है चलो यार, फाइनली यार पहुंचने वाले है, 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 लग गए लग गए लग गए लग गए। ठीक है चलो 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 पहुंचने वाले है भैया, दर लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है यार, घर की दर है। रे 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 रे, रुक जा रुक जा मेरी प्यारी प्यारी फरारी, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मत कर मत कर। ठीक है चलो यार, मेरे को हेलीकॉप्टर आ दिख गए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, धीरे चल धीरे चल भाई, बहुत ही स्पीड है भाई, धीरे 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 धीरे। ठीक है ठीक है, वो तेरी यार घर कितना बड़ा है यार, यहाँ से एक बार रिव्यू लू गया अपना, क्या बोलते भाई बाइनोकुलर का। नको यार छोड़ो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेस्टर ने बोला भाई टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से आ जाना। लेस्टर भाई टाइम का बहुत पक्का है, क्योंकि भाई अपने को तुमको पता है ना रिवेंज लेना, इसलिए समझ रहे हो ना। अबे यार भाई फरारी की वाट लग गई भाई, से बता रहा हूँ वाट लगने वाली है भाई, रिपेयर को डालना पड़ेगा भाई, इतना ठोका हो ना जिंदगी में फरारी की बात क्या ही बताऊँ। ठीक है यार लेता हूँ, बराबर लेता हूँ। ठीक है चलो फाइनली पहुँच चुके, अबे बे बे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पहुँच गए चलो। ओके अबे भाई कार को इधर पार करूँ, ओके ठीक है तो यार मैं कार को इधर ही पार कर लेता हूँ, बाकी ये वाला हेलीकॉप्टर अपने को लेके जाना। अब मैं तुमको यार बता दो, ये हेलीकॉप्टर में भाई इतना स्पेशल क्या है, ये हेलीकॉप्टर भाई मैग्नेटिक है। अभी मैं ये कार को इसमें क्या बोलते हैं, ये मैग्नेट है ना, तो ये कार में भाई लोखंड की चीज़ होंगे तो खींच लेंगे, और अपने को जिधर भी जाना आराम से अपन लेके जा सकते हैं, समुद्र के पार या नदी के पार, इसलिए ये हेलीकॉप्टर बनाया गया। मेरे को ना पता भाई लेस्टर ने क्यों इसको मंगाया, बाकी यार इसके पास बहुत सारे हेलीकॉप्टर है, सही बता रहा हूँ बहुत है भाई हेलीकॉप्टर। ठीक है यार छोड़ो, अपने पास इतना टाइम नहीं है, बाकी यहाँ पर पार्टी वार्टी चल रही है, और घर तो यार बढ़िया यार कुछ बोलो। बाकी मैं ये बंदे से बात कर लूँगा, ये बंदा यार क्या देख रहा है मेरे को नहीं मालूम, बाकी ये बंदा मेरे को अच्छा दिख रहा है, तो ये बंदे के बारे में बात करता हूँ, पूछता हूँ इनका बॉस किधर, इनके बॉस से मेरे को मिलना है भाई, टकले सरी का बॉस है, चलो बात करता हूँ ये बंदे से। तो फाइनली गाइस ये बंदे से यार मेरी बात हो चुकी है, ये बंदा बोल रहा है यहाँ से भाई तू जा आगे के गार्ड को जाके पूछ, मेरे को इतना कुछ नहीं मालूम, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, मेरे को सिर्फ मेरे बॉस की सिक्योरिटी करना है। अब मैं यहाँ से किधर से जाऊँ, ठीक है यहाँ पर भाई यहाँ से रास्ता तो है, ओके छोड़ो यार मैं दिमाग से काला जंप मार देते हो। बाकी हमारे भाई किस चीज़ की पार्टी चल रही है मेरे को नहीं, अरे आंटी जी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अरे अरे जाओ पू मत भाई, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, छोड़ो भाई ये गार्ड को बात करता हूँ, ये भाई मेरी बात सुन यार, पकाओ मत भाई, क्या ही बता रहा हूँ करो यार, बे भाई दिमाग सरका दे। ठीक है भाई शांत हो गए, चलो यार इसको मैं बात करता हूँ, ये गार्ड को फटाफट बड़बड़ कर दो भाई, मरो भाई तुम जाओ दिमाग में सरकाओ। सो ऑलरेडी गाइस ये बंदे से यार मेरी बात हो चुकी है, ये बंदा बोल रहा है भाई सामने से भाई ऊपर जाने की सीढ़ियाँ है, वहाँ से भाई तू जा सकता है ऊपर, वहाँ पे इन इसके बॉस ने भाई पहले बोल के रखा था एक माइकल नाम का आदमी आने वाला है, उसको यार ऊपर आन देना। अब इसको बोल के रखा था, बोल के नहीं मैं वो जान दे रहा, ऐसे नॉर्मली भाई कोई भी इसके बॉस से नहीं मिल सकता। और मैंने पूछा भाई ये पार्टी किसकी है, तो इन्हें बोल रहा है
ये पार्टी भाई उसके बॉस ने दिया भाई, मेरे को ही नहीं पता भाई काई की पार्टी वार्टी ये वाला रास्ता। और मेरे को कोई गार्ड भी रोकने वाला नहीं है ऐसा भाई, ये गार्ड मेरे को बोल रहा था कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सबने भाई सबको बताया एक माइकल नाम का आदमी आने वाला है जो तुम्हारे बॉस से मिलेगा। और मेरे को ये नहीं वो समझ रहा है इन्हें लकड़ी का घर बना के तक किनारे पे क्यों रह रहा है, और यहाँ पे इतने हेलीकॉप्टर क्या कर रहे हैं भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चलो यार अपन यहाँ पे आ चुके हो, ये बंदा कर क्या रहा है भाई, ये अरे देख कर क्या रहा है भाई, पीए भी वाला है क्या, कौन है भाई यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक बंदा है मतलब भाई इसका बॉस का भाई हो सकता है, और इसका बॉस वहाँ पे बैठ खड़े वाला है। और भाई उसकी वहाँ पे भाई एक लड़की आई थिंक भाई उसकी वो वाइफ है, तो यार मेरे को ऐसे पर्सनल मामले में भाई जाना नहीं चाहिए, सीधा बेडरूम में बेड है भाई वहाँ पे सोता हूँ गाँव ने, तो यार मैं उसको आवाज़ दे देता हूँ ठीक है, और उसको यहाँ पे बुलाता हूँ। तो ठीक है भाई मैंने यार बंदे को आवाज़ दे दिया, वो बंदा यहाँ पे आ तो रहा है देखते हैं भाई। ठीक है यार चलो वो बंदा आ रहा है, ओके चलो यार बंदा आ चुका है, और मैं आप जो मेरे को लेस्टर ने बोला था वो बंदे को ब्रीफ केस देना है और बोलना है काम हो चुका है बस, और मेरे को नहीं मालूम लेस्टर ने क्या है कौन सा काम इसके लिए करा है, और बाकी इससे भी मैं थोड़ी बहुत बातें पूछने वाला हूँ। तो ठीक है चलो यार मैं सब फटाफट बात करता हूँ। ऑलराइट गाइस यार मेरी यार ये बंदे से बात हो चुकी है, ये बंदा तो भाई लेस्टर का फैन निकला भाई दीवाना है लेस्टर। मैंने इसको पूछा भाई ऐसी कौन सी बात है, तो इन्हें बोल रहा लेस्टर इसका बहुत बड़ा, मुझे तो एक टाइप से लेस्टर इसकी बहुत सारी मदद करता है कारखाने यार बिजनेस टाइप के यार आइडिया वीडिया देते रहता है, और मेरे को आज मालूम पड़ा लेस्टर भाई मदद भी करता है बंदूक यार कमी ना है भाई लेस्टर। तो इन्हें भाई बेसिकली इन्हें भी भाई एक गैंग टाइप का बंदा है, इन्हें बोल रहा है कि अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ ये लॉस सेंटर को छोड़ के, मैं दूसरी लिबर्टी सिटी या वाइस सिटी में जाके रहने वाला हूँ, ऐसा ये बंदा हो रहा है, क्योंकि जनरल ने जीना हराम कर दिया है, और अभी थोड़े दिनों के लिए इन्हें ये लकड़ी का घर बनाया है थोड़े दिनों के लिए, और यहाँ पे रहने के लिए थोड़े दिनों में यहाँ से इन्हें जाने वाला है, बाकी मैंने इसको थोड़े पैसे दे दिए, वो हेलीकॉप्टर लेस्टर ने भाई इसे खरीद ही लिया एक टाइप से ऐसा तुम समझो, इन्हें बोल रहा भाई तेरे को जो चाहिए वो हेलीकॉप्टर लेके जाओ, भाई इसके पास गोल्ड का हेलीकॉप्टर है भाई लिटरली। बाकी जो ब्रीफ केस था इन्हें एक बंदे को बुला के दे दिया, इसके पास भाई एक गोल्ड का हेलीकॉप्टर है, इन्हें ऐसा बोल रहा भाई उधर सामने रखा आला, मैं तुमको यार दिखाता हूँ ऐसे दिखाना आता है यार। बाकी मेरी तो यार इससे डील हो चुकी है, इन्हें बोल रहा भाई तेरे को जो हेलीकॉप्टर चाहिए लेके चले यार, लेस्टर का भाई एक टाइप से भाई पागल फैन है। तो यहाँ पे भाई इसका गोल्ड का किधर तो हेलीकॉप्टर रखा आला, इन्हें ऐसा बोल तो रहा था और वो सामने मेरे को दिख तो रहा है, एक बार मैं बायनोकुलर निकाल के देखता हूँ। हाँ भाई अरे अरे उधर वो साइड है भाई दूसरी साइड है दूसरी साइड है। हाँ ठीक है यहाँ से दिखता है क्या, अरे भाई खुल गया क्या कर रहा है भाई यार उधर साइड है यार, रुको मैं क्या करता हूँ नीचे जाके तुमको दिखाता हूँ, नहीं तो व्यू आ रहा हूँ तो मैं वहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे पानी है भाई सर्दी हो जाएंगी माइकल को ज़्यादा पानी में करूँ। हाँ ठीक है चलो यहाँ से भाई व्यू आ रहा है व्यू आ रहा है ओके। अबे ये क्या कर रहा है माइकल, ठीक है ओ भाई ये देखो भाई गोल्ड का हेलीकॉप्टर है भाई, ये बंदा इतना अमीर है भाई बिजनेस टाइप है, ये इन्हें माफिया की लाइन में बट इतना माफिया नहीं है बिजनेस टाइप है। और गाइस मेरे को वॉइस बताना कैसे आ रही है भाई, मैंने थोड़ा माइक बदला है वॉइस यार बताना है ठीक है कैसे आ रही है। तो ठीक है चलो वो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर लेके निकलते हैं, अब मेरे को यहाँ से भाई डायरेक्ट ट्रावर के एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर रखना है, बाकी भाई देखते हैं लेस्टर फिर कॉल करता है कि नहीं। ठीक है लेस्टर का यार कॉल कब आएगा, लेस्टर ने बोला था रात तक मैं तेरे को कॉल कर दूंगा ये तेरा काम हुआ बात। तो ठीक है चलो पहले मैं मेरी गाड़ी को, रुको भाई रुको ऐसा मेरे को ये हेलीकॉप्टर भाई चला नहीं आता सही बता रहा हूँ, दिमाग सर के आला मैं हेलीकॉप्टर में सही, मैं भाई मेरे को कौन सा प्लेन हेलीकॉप्टर चलाना है, प्लेन भाई एक टाइप से चल भी जाएगा भाई, हेलीकॉप्टर चलाना बहुत हार्ड है, मैं इसके डायरेक्ट भाई मैग्नेट में रखूँगा गाड़ी को, कौन नहीं भाई इतनी कट कट करते रहना भाई किट किट क्यों यार दिमाग इधर का ला। चलो हेलीकॉप्टर ऑन करते हो, ये देखो अभी मैं इसको अटैच कर लूँगा, ये देखो भाई कार अटैच हो चुकी है, अभी भाई आप यहाँ से अपने को सीधा जाना है ट्रैवर के एयरपोर्ट पे, ये भाई बहुत नजदीक है भाई ट्रैवर का एयरपोर्ट, चलो यार उड़ाते आप अभी उड़ना, अरे उड़गा 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 भाई इसके पास लिटरली बहुत सारे हेलीकॉप्टर से बता रहा हूँ। ठीक है आप चलो भाई चुपचाप यहाँ से अपन निकलते हैं, अभी किधर जाना है अपने को इधर जाना है, चलो भाई बहुत हार्ड है भाई, और देखो यार कार गिर भी नहीं रही है भाई, बाई चांस मैंने भाई डी अटैच का बटन दबा दिया मेरी कार भाई एक टाइप से ब्लास्ट हो जाएंगी वही नीचे मैं बता रहा हूँ, इसलिए मेरे को यार देख समझ के चलाना पड़ेगा। बाकी मैं एयरपोर्ट पे भाई रख दूंगा हेलीकॉप्टर, वापिस फराई लेके निकल जाऊंगा लेस्टर पर मैं फ़ोन करके, देखते हैं फिर लेस्टर क्या बोलता है, बाकी लेस्टर ही जाने भाई मैं खुने मालूम है यार लेस्टर के दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा है। और अभी अपन पहुँचने तो वाले नहीं है, थोड़ा दूर है ट्रैवल का जो एयरपोर्ट है
और ये रहा भाई प्रियन, प्रियन के साइड में नहीं जा सकता हूँ भाई मैं, ऊपर उधर भाई एयर डिफेंस सिस्टम लगा वाला है। ठीक है यार, इसको चलाना बहुत हार्ड है, इससे बता रहा हूँ। हेलीकॉप्टर चलाना भाई बहुत दिमाग से जा रहा है। तो ठीक है चलो यार, अपन आ चुके हैं, अपन ऊंचाई में है ना, इसलिए आप लोग भाई ये बहुत नज़दीक दिख रहा है। मैं लिटरली भाई मैप देखो कितना बड़ा है, नीचे भाई जो मैप का कोने में एक बार देखना, ये देखो कितना बड़ा। ठीक है चलो यार, अपन आ चुके हैं, अब इसको उतारू कैसी भाई, अदर उतारना पड़ेगा भाई, से बता रहा हूँ, मेरी फराई लगे वाली है भाई, मेरी वाट लग जाएंगी। और यार एक तो मेरे को है ना ये बोलना, बोले तो वॉइस ओवर करने में यार दिमाग से रखता है, थोड़ा हार्ड है भाई वॉइस ओवर करना, इसलिए भाई मैं ज़्यादा फुल वीडियो नहीं बनाता हूँ, जितना बोलने का होता है बोलता हूँ। ओके ओके, वेट 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 वेट, ओके इजी पीजी, ओके चलो भाई। अबे बे 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 बे, कार को भाई डायरेक्ट फेंक दिया ही नहीं तो यार मेरे को, मैं यार यहाँ पे ही लगा देता हूँ। हेलीकॉप्टर छोड़ो, बाकी लेस्टर बैठा है भाई। चलो यार लेस्टर को भाई कॉल कर देता हूँ मैं फटाफट, और बोलता हूँ भाई, पहले इनविजिबल आ रहा था फ़ोन, अभी भाई ये विजिबल आ रहा है, पता नहीं। चलो यार लेस्टर को कॉल करके बोल देता हूँ भाई, हो चुका है काम, आगे क्या करना है बोल। लेस्टर से यार मेरी बात हो चुकी है, लेस्टर ने बोला अब रात होने का इंतजार कर, बाकी अभी तू घर पे जा सकता है। बाकी लेस्टर ने भाई यहाँ पे कैमरे लगा के रखे है, तो भाई यहाँ पे कुछ चोरी वेरी तो नहीं होंगी यार, छोड़ो भाई मेरा क्या, लेस्टर देखेगा जो होगा देखा जाएगा। पहले मेरा दिमाग सरका है, जब से मेरा शोरूम भाई बिगड़ा है ना, क्या ही बताओ तुमको। आप देखना भाई इतनी स्पीड में चलाऊंगा ना मैं फरारी, ऐसा पलक झपकते ही अपन भाई माइकल के घर पे पहुँच जाए यार, मजाक कर रहा हूँ, पलक झपकते भाई किधर भी पहुँचना नामुमकिन है, वो एक टाइप से भाई मन की गति हो गई, जो कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट यार बहुत स्पीड में पहुँच ही जाएंगे यार। अरे अरे अरे, ठोक दिया। आई थिंक भाई ग्लिच जो है ना ठीक हो चुका है, क्योंकि मेरे को है ना मेरा मोबाइल अब विजिबल हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था भाई। ये चलता है भाई ग्लिच, थोड़ी बहुत फाइल इधर उधर हो जाती है तो ये ग्लिच होता है। अब अपन कुछ कर भी नहीं सकते भाई, अपने को इतना नॉलेज भी नहीं है कोडिंग का कि अपन गेम की सेटिंग को खेल के भाई कुछ करें। तो ठीक है चलो यार, फटाफट अपन निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं, रात होने का अभी इंतजार करते हैं भाई। अभी मैं घर पर जाके सोने वाला हूँ, मेरे को यार कुछ करने के लिए है भी नहीं, रात होने का इंतजार करेंगे और क्या, कुछ कर भी नहीं सकते। रात हुए बाद देखते हैं, लेस्टर के पास जाते हैं, लेस्टर क्या बोलता है देखते हैं फिर। ओ तेरी यार, चलो यार अपन पहुँचने ही वाले घर पे यार, नहीं बहुत ज़्यादा दूर है यार, क्या ही बोल दिया, अभी सिटी में पहुँचने वाले हैं, पहुँचने का क्या भाई, पहुँच भी गए सिटी में। और भाई लिटरली स्पीड देखो भाई, स्पीड देखो, ओ तेरी की भाई, अच्छा है भाई इसमें, इसके ब्रेक भाई सही टाइम पे भिड़ जाते ऐसा, तो भाई मेरी वाट लग जाती थी, इसे बता रहा हूँ मैं यार। इसको मैं सोच रहा हूँ 400 या 500 की स्पीड में करा दूँ, बट यार मैं इसे संभलेंगी नहीं, अभी मैं गाड़ी चलाया नहीं आता, और भाई माइकल का इतना बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा ना फिर भाई, तुम सोच भी नहीं सकते हो क्या होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है चलो यार, फाइनली मैं घर पे पहुँचने वाला हूँ। अबे यार ये कार वाले भाई, कार की गलती नहीं, मेरी गलती नहीं थी। अरे रे 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 भाई, रे भाई ओ तेरी की यार, ये क्या था बे। ठीक है चलो यार, अपन पहुँचने वाले घर पे, छोड़ो भाई इतना इतना दिमाग खोल लगाना। ठीक है अबे चलना भाई, क्या कर रहा है भाई, मेरे में इतना पैसा नहीं है कि गेम में वो मैं ट्रैफिक रूल फॉलो करो, रियल लाइफ में कर सकते हैं भाई जान है बोल के, बट गेम में गया भाई आते जाते रहते, समझ रहे हो ना तुम। ठीक है, और बाकी अपना यहाँ पे भाई शोरूम है, जिनको नहीं पता है थोड़ा आ गया भाई, वहाँ पे अपनी बाकी कार रखे वाली है, सुपरा भी भाई उधर ही रखे वाली है। ठीक है चलो यार, पहुँचने वाले हैं अपन घर का, यार नजदीक आ चुके हैं, और लिटरली यार मेरी कार भाई लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए। ठीक है यार चलो यार, पहुंचने वाले हैं पहुंचने वाले हैं। ठीक है चलो इजी पीजिए भाई यार, ये अबे ये क्या लपड़ा है, अबे मेरे को लगा भाई ग्लिच ठीक होगा भाई यार, कुछ भी हो रहा है, अबे कार है क्या भाई आ गया। ठीक है चलो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, अबे भाई कुछ भी हो रहा है यार, सही बता रहा हूँ भाई यार, ये चेक करना पड़ेगा भाई मेरे को, तो यार मेरी वाट लग जाएगी। ठीक है चलो आते हैं, फाइनली यार घर पर पहुँच चुके हैं, बाकी मैं इसको भाई माइकल को जूस पिला दूंगा और सुला दूंगा, फिर रात होने का वेट करते देखते यार लेस्टर क्या बोलता है। और ये देखो भाई, जिसका भाई डर था वही हुआ, इतने भाई धोखा था मैंने गाड़ी, इसलिए भाई माइकल को अब चोट लग गई, कोई नहीं भाई थोड़ी देर में आए ठीक हो जाएंगी, मलम पट्टी लगा के सो जाएंगे, और कर ही क्या सकते। अबे ये क्या कर रही है एमेंडा, ये क्या था भाई, सही में ग्लिच चल रहा है गेम में, एमेंडा बोल रहे भाई ठीक से काम कर, बाकी भाई यहाँ पे है कि नहीं ट्रेसी और जिमी, भाई दोनों झगड़ते रहते हैं ट्रेसी और जिमी, क्या ही बताऊँ। ठीक है यार छोड़ो, मैं बाकी यहाँ पे ये करता हूँ,
आई मीन जूस पीता हूँ और जाके सोता हूँ और रात होने का इंतजार करता हूँ, क्योंकि रात होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम है और माइकल के पास इतना भी पैसा नहीं है कि भाई ये कर सके। और भाई यहाँ पे नीचे यार कुछ लिखा लिखा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नॉट फाउंड नॉट फाउंड, देखते हैं भाई ये ठीक करूँगा भाई, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा ये सब This is a चल क्या man रहा I है। like to see herself in everything. अबे ये क्या है भाई, कौन आवाज़ा कर रहा है। बाकी भाई जिमी है क्या इस घर में, नहीं है भाई, चलो बाहर का वाला। अच्छा है भाई, बाहर घूमेंगा तो कुछ तो करेगा ये भाई, जिमी दिन भर गेम खेलते रहता है। ठीक है चलो यार, मैं फटाफट सोता हूँ और रात होने का वेट करते हैं। तो फाइनली गाइस अभी रात हो चुकी है और माइकल यहाँ पे उठ चुका है और बाकी इसकी भाई चोट है वो भी ठीक हो चुकी है, और मेरे को यार लेस्टर का भाई मैसेज आ चुका है। और भाई अभी रात के भाई 11 बजे या फटाफट भाई सीक्रेट हाउस पे जाते हैं अपन अपने, और देखते हैं भाई लेस्टर ने क्या प्लान बनाया है, क्या लॉस गेम को ख़त्म करने के लिए ने प्लान बनाया है। बाकी चलो अब फटाफट है ना अपन यहाँ से निकल रहे हैं सीक्रेट हाउस की तरफ। यहाँ पे अपना सीक्रेट हाउस किधर है, ये साइड अपना सीक्रेट हाउस है। ओके चलो मैं यार फरारी देख के निकालता हूँ वो तेरी की। भाई नहीं यार ये पलटाने में चलेगा वे, लिटरली दिमाग सरक गया मेरा। बाकी भाई मैं तुमको यार फरारी का इंटीरियर दिखाया नहीं, ये देखो भाई फरारी का इंटीरियर ऐसा है, ये भी भाई बदल लेंगे अपन फरारी का इंटीरियर, उसमें कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा पैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा यार, अभी तुम्हें पता है बहुत पैसा है वाले, थोड़ा लॉस होगा कोई बात नहीं भाई, आ ही जाएंगे आगे चल के। यंगस्टर बनना है तो भाई लॉस तो उठाना ही पड़ेगा, मतलब भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है चलो अपन अब निकलते हैं भाई लेस्टर के सीक्रेट हाउस का, आई मीन भाई अपने सीक्रेट हाउस। भाई लेस्टर कौन होता है, हटो रे बाजू हटो बाजू हटो बाजू हटो। चलो 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 भागो भागो भागो। ओ तेरी भाई 200 की स्पीड पकड़ लियो भाई, यार फरारी को क्या हुआ, अभी हवा में उछल रही है भाई। अरे रे 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 गया 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 भाई, अब पेशन नहीं है भाई, प्लान जानना है सिर्फ मेरे को लेस्टर का, लेस्टर ने भाई क्या प्लान बनाया बस, और कुछ नहीं भाई। इसके अलावा मेरे को भाई कुछ जानना ही नहीं है भाई लेस्टर का, मेरे को अब सिर्फ प्लान जानना है भाई लॉस गेम को भाई कैसे ख़त्म करूँ, बस इतना ही मेरे को जानना है। ठीक है चलो यार पहुँच गए अपन फाइनली, पहुँचने वाली है भाई, थोड़ा ही बचा है। ठीक है देखते हैं भाई लेस्टर का प्लान देखते हैं। ठीक है चलो यार फाइनली पहुँच गए। अबे यार यार ये गाड़ी, नहीं, भाई यार ये ब्रेक को क्या होगा, आई थिंक भाई ब्रेक फेल हो गए, मतलब भाई लूज हो गए भाई, इतना ठोक रहा हूँ ना मैं। अरे यार वाट लग गए भाई, से बता रहा। ठीक है यार कोई बात नहीं भाई, बहुत पैसा है माइकल के पास, अब भी बहुत पैसा है। हाँ शोरूम बनाने के लिए इतना पैसा नहीं है, उधार लेना पड़ेगा लेस्टर के या फ्रैंकली यार ड्राइवर के, दे ही देंगे भाई दोस्त है। ठीक है चलो चलो चलो, अरे आंटी जी बच गए, नहीं तो ठोक देता था मैं अभी आंटी जी को। ठीक है चलो यार मैं यहाँ पर गाड़ी लगा देता हूँ, फटाफट लेस्टर के पास जाते देखते भाई लेस्टर ने कौन सा प्लान बनाया। और बाकी भाई इसका गॉगल पहन लेता हूँ यार, कितना अंडा दिख रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है चलो यार फटाफट निकलते हैं अंदर। मैं अंदर आ चुका हूँ, चलो अब लेस्टर के पास पहुँचते हैं और देखते हैं भाई क्या प्लान बनाया। बाकी भाई ड्राइवर आई थिंक बाहर गए वाला है। ठीक है लेस्टर भाई क्या देख रहा है, चलो यार बात करता हूँ लेस्टर से, देखते भाई लेस्टर क्या बोलता है। तो फाइनली गाइस लेस्टर से यार मेरी बात हो चुकी है, लेस्टर भाई मेरे को अच्छा खासा भाई प्लान बता दिया है तुमको, अब मैं प्लान जो है रास्ते में बताऊंगा भाई, बहुत तगड़ा प्लान बना है, बट मरवाने का प्लान भी है ये एक टाइप से, क्योंकि भाई बार बार किस्मत साथ नहीं देती है, तुम भी समझ रहे हो ना, बार बार भाई कौन थी भाई क्रिसमस की क्या बोलते हैं भाई, किस्मत भाई साथ नहीं देती है। अबे बाकी भाई ये क्या लफड़ा है लेस्टर, तू यहाँ तक कब आया वे। ठीक है यार चलो, लेस्टर ने भाई मेरे को एक जगह दी है, लेस्टर बोरा पहले वहाँ पे चल और देखो भाई कैसा लंगड़ा है तू यार। तो ठीक है भाई जो जगह है ना वो जगह है इधर, ये साइड है भाई वो जगह, तो लेस्टर बोल रहा है यहाँ पे चलो और वहाँ पे जाके अपने को एक काम करना है। ठीक है लेस्टर ने जो प्लान बनाया ना वो तगड़ा प्लान बनाया है, ऐसे बता रहा हूँ, प्लान तगड़ा है बट रिस्क भी भाई बहुत है, 50% रिस्क है और 50% भाई नॉन रिस्क, बोले तो सेफली अपन निकल सकते हैं। देखो भाई लेस्टर बोल रहा है भाई देख लॉस गैंग बहुत बड़ी गैंग है, लॉस गैंग के पास कितने वेपन है, उसके बॉस कितना अमीर है, लेस्टर को भी भाई कोई अंदाजा नहीं है इसके बारे में, ऐसा भाई लेस्टर मेरे को बोल रहा है। ठीक है तो यार तुम्हें बताऊंगा पिछले वाले एपिसोड में भाई अपन छुपके से भाई
क्या बोलते आर्मी के हाउस में घुस गए थे। आर्मी, अरे आया यार मेरे मुँह से, क्या आर्मी का हाउस नहीं, मिलिट्री बेस में घुस गए थे। और मिलिट्री बेस में अभी तक पता नहीं चला है कि अपन मिलिट्री बेस में घुस गए थे, और वहाँ पे जाके वायरस छोड़ दिए थे उनके सर्वर में। बट उनका सर्वर पूरा ही जनरल ने चेंज कर दिया, ऐसा वही लेस्टर बोल रहा है। लेस्टर को सिर्फ दो चीज़ें पता चली है, एक तो वही वहाँ की फ्रीक्वेंसी, जिससे अपन वहाँ की फ्रीक्वेंसी जाम कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा भी हेलीकॉप्टर कभी घुस के वहाँ पर अटैक कर सकता है, ऐसा लेस्टर बोल रहा है। वो करना आता है, वहाँ की फ्रीक्वेंसी वो सर्वर से पता चल गई है। और दूसरा लेस्टर बोल रहा है वहाँ पे एक सीक्रेट टैंक आया वाला है, वो टैंक इतना मजबूत है कि उसमें एक बार आर्मी बैठ जाए ना, तो मिलिट्री के पास जो सादे टैंक रहते हैं वैसे भाई 20-30 टैंक उन्हें फोड़ देगा, ऐसा लेस्टर मेरे को बोल रहा है। मैं बोला भाई इतना सॉलिड टैंक? हाँ भाई, ऐसा लेस्टर बोल रहा। तो लेस्टर ने भाई प्लान बनाया कि लॉस गैंग को हराना है तो वो टैंक को भाई आप लोग को चुराना पड़ेगा। भाई मैंने तो एक ही झटके में हाँ बोल दिया, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जनरल को भाई बाद में संभाल लेंगे। बट लेस्टर बोल रहा है इसको भाई एकदम साफ तरीके से करना होगा। लेस्टर अभी एक बंदे के पास लेके जा रहा है, लेस्टर का एक मिलिट्री में दोस्त है। भाई बार बार अपन आईडी के प्रूफ के अंदर नहीं जा सकते, कभी फंस गए तो क्या ही करेंगे, ठीक है। तो लेस्टर का भाई एक दोस्त है मिलिट्री में, उन्हें भाई की मदद करने को लेस्टर ही तैयार हो चुका है, दोस्ती के नाते यार तैयार हो चुका है। लेस्टर बोल रहा है कि उन्हें तेरे को अंदर घुसा देगा, मास्क पहन के तेरे को अंदर जाना है और टैंक ढूंढना है। और टैंक को भाई एयर वहाँ पे भाई जो एयर लाइन होंगी ना, वो एयर लाइन के भाई बीचों बीच, अच्छे से सुन लेना गाइस, बीचों बीच अपने को टैंक को लेके जाना। और जो अपने सुबह हेलीकॉप्टर लेके आए थे जिसका नाम था भाई स्काई लिफ्ट, जो कि भाई टैंक या जितनी भी कार है उनको खींच लेता है, तो उसके लिए भाई मेरे को लेस्टर ने ये मंगाया था। ट्रैवर भाई जो है ट्रैवर का भी एयरपोर्ट पे है, ठीक है। जैसे मेरे को टैंक मिल जाएगा तो लेस्टर भाई 10 मिनट के लिए, मैक्सिमम 10 मिनट के लिए, और मिनिमम 5 मिनट के लिए, आई मीन भाई मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट के लिए वहाँ की फ्रीक्वेंसी जाम कर सकता है। वो 10 मिनट में भाई ट्रैवर आएगा, वो भाई क्या बोलते हैं, वो हेलीकॉप्टर से भाई टैंक को भाई अटैच करेंगे और वहाँ से आप लोग को निकल जाना है फिर ट्रैवर के एयरपोर्ट पे। और भाई अगले एपिसोड में फिर तुम्हें पता है क्या ही होगा लॉस गैंग का एंड, ऐसा लिस्टन मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा दिया है प्लानिंग का। भाई लॉस गैंग का एंड करना इतना मुश्किल है, ऐसा लेस्टर बोल रहा, क्योंकि उनके पास कितने हथियार है भाई हमको भी नहीं मालूम। तो लेस्टर बोल रहा भाई फुल प्लानिंग से करने का जो है वो, तो लेस्टर बोल रहा सीख और टैंक अपने को लेना है। और आर्मी ने भाई उसका नाम रखा है एकदम सीक्रेट टैंक, और भाई अभी तक आर्मी के पास सबसे पावरफुल टैंक वही है, ऐसा भाई लेस्टर हो रहा है। बाकी भाई मैं फाइनली वो जगह पे पहुंचने वाला हूँ, बातों बातों में यार पहुंच ही गया नहीं, ये वाली जगह लेस्टर ने मेरे को बोली थी, यहाँ पे इसका दोस्त जो है वेट कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई कहाँ पे इसका दोस्त, यहाँ पे किधर होना चाहिए, मिलिट्री गाड़ी लेके खड़े वाला। और भाई अभी इंस्टेंट भाई प्लानिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा लेस्टर बोल रहा है मेरे को। बाकी मेरी जो फरारी हो तो लेस्टर ही लेके जाएगा, जो प्लानिंग है मैं तुमको समझाया, ठीक है। ये वाला दोस्त है अपने को भाई, ये इसका जो दोस्त है यहाँ अभी, मैं ये जो है ना क्या बोलते भाई, ये जो ट्रक है मिलिट्री का, ठीक है, ये मिलिट्री के ट्रक में भाई मैं छुपने वाला हूँ, ठीक है। या छुप के इन्हें मेरे को लेके जाएगा, चेकिंग में भाई पकड़ने को भूल जाएगा कम चांस, क्योंकि मिलिट्री के लोग भाई मिलिट्री के लोगों पे शक नहीं करते। तो ठीक है भाई लेस्टर, तू इससे जो बात कर रहा है कर, बाकी मैं जगह देखता हूँ भाई किधर मैं छुप सकूँ। अरे गाइस भाई मैं यार अंदर छुप छुपा हूँ यार, तुम्हें दिख रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, ये बंदा भाई अंदर बैठ चुका है, ठीक है। और ये रहा भाई लेस्टर, मेरी भाई कार लेके जा रहा है, और अब मेरे को यार भाई ये बंदा भाई अब कार चला रहा है, देखते हो भाई मेरी भाई फटे पड़े वाली है कि मैं दूसरी बार भाई मिलिट्री बेस में जा रहा हूँ। और टैंक किधर है भाई मेरे को नहीं मालूम, ये बंदे का सिर्फ काम है भाई मेरे को अंदर लेके जाना। लेस्टर बोल रहा है ये बंदा भाई भरोसे का, पहले तो भाई मैंने उससे यही पूछा था भरोसे का है क्या, भाई लेस्टर बोल रहा है ये बंदा बहुत सॉलिड भरोसे का, कुछ करेगा नहीं ये बंदा, टेंशन मत ले, तेको फंसेगा नहीं, इसका भाई पक्का दोस्त है, ऐसा लेस्टर बोल रहा है। बाकी भाई मैंने मास्क पहन लिया है, अब भाई चेकिंग होने के भाई कम चांस है, क्योंकि भाई मिलिट्री का बंदा है, कौन यार इनको इसको भाई क्या ही बोल देगा, ठीक है। चलो यार अब निकलते हैं भाई मिलिट्री बेस को, बेस पे भाई यार मैं क्या ही बोल रहा हूँ यार, मेरे को खुद कुछ नहीं समझ आ रहा, जब से भाई शोरूम यार टूटा है ना से बता रहा हूँ मैं, भाई सपना टूट चुका है, ठीक है भाई। ये देखो भाई सामने जो दिख रहा है ना वो मिलिट्री बेस है वो, भाई यार ये बंदा भाई बहुत स्लो चला रहा है भाई, 100-200 की स्पीड में चला भाई, क्या कर रहा है तू यार, मिलिट्री बेस लिटरल यार कितना भारी है, सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा है भाई मिलिट्री बेस। और गाइस जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना। और गाइस बाई चांस कुछ लफड़ा हुआ ना तो लेस्टर बोल रहा भाई ज़्यादा कुछ मत कर, वो टैंक में बैठ जाए और चुपचाप वहाँ से निकल ले, क्योंकि एक बार भाई अपन वो टैंक में बैठ गए ना भाई, वो टैंक इतना अबे बे ठोक दिया भाई बंदे ने, वो टैंक भाई इतना मजबूत है ना कि भाई उसमें उसमें अपना कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और मिलिट्री वाले वो टैंक का भाई उनके पास कोई सल्यूशन ही नहीं है कि उन्होंने वो भाई टैंक को भाई ख़त्म करे कुछ भी करे,
और उनका ही टैंक है, और अब मैं उन पे ही ऐसा प्रयोग कर सकता हूँ। बाई चांस फंसे तो ही लेफ्टन ने भाई ऐसी मेरे को चेतावनी दी है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी जाम करे बात तो भाई ड्राइवर भाई वो हेलीकॉप्टर लेके आने वाला है। बट भाई मेरे को ड्राइवर पे भी कम भरोसा है, क्योंकि ड्राइवर जरा सा लेट होगा तो भाई मेरा तो डी एंड पक्का है भाई। बट मेरे को कैसे भी करके टैंक छुड़ाना होगा, क्योंकि मेरे को लॉस गैंग को यार ख़त्म करना है। लॉस गैंग ने भाई मेरा जीना हराम कर दी से बता तो, जब से मैं शोरूम टूटा है ना मेरा भाई मन उठ चुका है भाई लॉस गैंग के ऊपर। भाई इतना भी कौन गिर सकता है भाई, अबे ये बंदा किधर ले रहा था भाई, डायरेक्ट मेरी पर्सनल चीज़ों पे अटैक कर दिया भाई। पता चले कल मैं घर पे अटैक कर दिया तो समझ ही मैं, अब तुम भाई बाकी समझदार हो, समझ ही लो गए होंगे। और गाइस 20 लाइक का एमआर कंप्लीट कर देना, आई थिंक भाई 20 तो कंप्लीट कर दूंगे। तुम भाई मैक्सिमम 40 50 आई मीन भाई 40 30 तो कर ही देते हो भाई, इतना तो मेरे को भरोसा है तुम पे कर ही देते हो। बट भाई 50 कभी कंप्लीट ही नहीं हुए, एक वीडियो में हुए थे बस। ठीक है चलो यार, तुम्हें भाई छोटा लग रहा होगा तो 100 भर देना बस। तो ठीक है चलो यार, फाइनली यार अपन मिलिट्री बेस में यार पहुँचने ही वाले हैं, और मेरी भाई फटे पड़े वाली है वो। रे 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 देख के चला भाई बंदे क्या कर रहा है। ठीक है चलो निकलते हैं भाई मिलिट्री बेस की ओर। आई थिंक भाई ने गलत जा रहा है भाई, वो मिलिट्री बेस का रास्ता नहीं है। नहीं भाई बराबर जा रहा है आई थिंक भाई, मेरे को नहीं मालूम भाई ये बंदा लेके जाएगा। नहीं भाई गलत जा रहा है, ये बंदा गलत जा रहा है। इधर से शायद हमको सीधा जाना चाहिए था। हाँ भाई ये बंदा पलटा रहा है गाड़ी, पलटा रहा है पलटा रहा है पलटा रहा है। आई थिंक भाई सीधा है। हाँ भाई वो देखो वहाँ पे ब्रिज दिख, नहीं भाई ब्रिज नहीं है। अबे कहाँ है भाई इसका ब्रिज? अबे भाई ये बंदे कुछ मालूम भी कि नहीं, अच्छू मेरे को लेक्चर ने फंसा दिया इसके साथ। हो जाती है भाई गलती की, देखते हैं भाई लेके जाएंगे। आई थिंक बराबर लेके जा रहा है, पक्का नहीं मालूम भाई किधर लेके जा रहा है। हाँ भाई वो सामने रहा ब्रिज यार, उससे गलती हो गई वो बंदे से, उसको लगा भाई ये साइड है ब्रिज। कोई बात नहीं भाई इंसानी है, गलती हो ही जाती है। ठीक है चलो निकलते हैं आप यहाँ पे। बाकी भाई मैंने आर्मन पहन के आगा, लेस्टर ने भाई आर्मन क्या बोलते हैं ड्राइवर से भाई पहले मंगा के रखा था, क्योंकि भाई बाई चांस वहाँ पे मैं फंस गया ना तो मेरी यार वाट लग जाएंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ठीक है चलो चलते हैं। ओके चलो ये बंदा, ओके गाइस फाइनली यार अपन आ चुके हैं। चलो अरे रे 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 रे, अबे ये बंदे ने गाड़ी क्यों रुकाया? अबे भाई इसको किसका कॉल आया था भाई, इसलिए ने भाई गाड़ी रुकाया था। सही है यार बंदों को कॉल आ रही ड्यूटी के सामने, ड्यूटी निभा ले। ठीक है चलो अपन आ चुके हैं फाइनली यहाँ पे। ओके गाइस अपन यहाँ पे आ चुके हैं, और इन्हें चेकिंग कर, वो तेरी की भाई ये बंदा सामने आ चुका है। चेक चेक करो वो रहा भाई ने। ठीक है भाई कर ले चेकिंग। तो ठीक है गाइस फाइनली वो बंदे ने भाई चेकिंग कर लिया, और भाई मैं चेकिंग करा है यार सही है। और बंदे ने बोला भाई तू जा सकता है भाई, कुछ भी नहीं आजू बाजू से देखा है बस। ठीक है चलो भाई ये बंदा अपने को फाइनली मिलिट्री बेस के अंदर एंट्री तो दिला दिया, और बाकी ने यहाँ पे पार्किंग में लगाएंगा गाड़ी, और भाई इसका काम हो जाएगा ख़त्म। ठीक है चलो इन्हें पार्किंग में भाई गाड़ी लगा रहा है। ओके चलो ठीक है गाइस चलो अब मैं भाई यहाँ से निकलता हूँ। तो ठीक है गाइस ये बंदा अपने रास्ते निकल चुका है, और भाई मेरे को अपने रास्ते निकलना है भाई, वहाँ से नहीं जाएंगे वहाँ पे यार तुम्हें बताऊँगा। वहाँ पे भाई ट्रेनिंग चलते रहती है, ये बंदा भाई मिलिट्री गाइस के जा सकता है इन्हें। और ये बंदा बोल रहा भाई देख समझ के भाई कुछ करना, नहीं तो यार तुम्हारी वाट लग सकती है। बाकी भाई मेरे को भाई देखना होगा और टैंक है किधर। अरे अरे यहाँ पे क्या है भाई, ये क्या है? आई थिंक भाई इलेक्ट्रिसिटी का है, और मेरे को भाई देख समझ के जाना होगा भाई, क्योंकि भाई बंदे में वो किधर दिखे तो मेरी वाट लगेगी। तो चलो यहाँ पे भाई बंदे तो नहीं, अबे भाई सामने एक टैंक तो खड़े वाला है। अबे भाई यार टैंक में बढ़िया हो गया? नहीं भाई इन्हों भाई पता चले टैंक वाले को उतार के पूछे तू है कौन। भाई ठीक है ठीक है भाई 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 यहाँ पे कोई है क्या? ठीक है यहाँ पे कोई भी नहीं है। अबे भाई कितना बड़ा, अबे बे 3 बंदे भाई सामने, भाई 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 बंदे 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 बंदे, ट्रेन चल रही आई थिंक भाई ट्रेन चल रही। अबे भाई एक सेकेंड आई थिंक भाई, ये देखो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना इधर, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था भाई, जब यार तुमको बताऊंगा कि भाई वहाँ, अरे अरे ये क्या होगा भाई, गन भी नहीं निकालता हूँ यार, बैठ जाता हूँ शांति से यहाँ पे। तुमको गाइस बताऊंगा जब मैं गाइस मैं फर्स्ट टाइम आया था तो भाई ये जो वॉर हाउस है वो चालू था, और आज देखो भाई ये वॉर हाउस बंद है भाई। मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या लपड़ा है भाई, आई थिंक इसके अंदर ही टैंक होना चाहिए भाई, किस
तरह से यहाँ पे आजू बाजू बंदे दिख रहे हैं, और मैं यहाँ से तो नहीं जा सकता हूँ। ओ भाई यार, गाड़ी वीड़ी ढूंढना होगा। वो यार सामने भी बंदा है यार। भाई यार मेरी फटे पड़े वाली है भाई, इतने बंदों में ऐसे कैसे निकल लूँ मैं। ठीक है यार, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ भाई। नो बाई चांस मेरे को देख लिया तो मेरी यार वाट लगी। अबे यार यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है भाई, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आई थिंक भाई यही वेयर हाउस होना चाहिए। और भाई जहाँ तक मेरे को पता है, सब वेयर हाउस के जितने भी डोर और कंट्रोल रहते हैं वो भाई, एक सेकेंड यार, वो जो है वो क्या बोलते, अपना जो यहाँ का टावर है वहाँ से ही खुलते हैं। और भाई मेरे को यही लग रहा है। और देखो भाई कितनी भयानक तरीके से प्लेट लगा ली भाई, बंद है। और ये इसको खोलना होगा तो भाई अपने को भाई वो जो सामने टावर है भाई उधर जाना होगा। ठीक है यार, मैं यार ट्राई करता हूँ यार, टावर में बंदे ना रहे और जो सामने बंदा है, और यार मेरे को देख ना रहे बस। तो भाई चुपचाप यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि भाई बंदे ने मेरे को देख लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। तो भाई सामने से यार तीन बंदे आ रहे हैं। नहीं, भाई बंदे बिंदे तो नहीं है ना? आई थिंक भाई बंदे ही। और भाई परेड परेड चलिए, परेड चलिए, परेड चलिए, निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले। अबे यार अच्छा भाई निकल गया, मैं निकल गया। ठीक है भाई चलो, अब धीरे धीरे चलते हैं भाई। यहाँ से मेरे को यार टावर तक निकलना होगा, नहीं तो यार मैं एक बार यार क्या बोलते हैं यार लेस्टर को यार कॉल करके बोल लूँ क्या? नहीं भाई, पता चले यहाँ पे ट्रैकिंग का सिस्टम लगा लाऊंगा और मैं भाई ट्रैक हो जाऊँ। कुछ भी हो सकता है भाई इधर, कभी भाई कुछ भी होता है। ये मिलिट्री वैसे होते ही वहाँ पे भाई बंदा कार लेके घूम रहा है यार। अब यार जाऊँ तो जाऊँ किधर भाई, मेरे को यार कार भी नहीं मिल रही है। वो तेरी वहाँ पे बंदे है भाई, बंदे है भाई। यार मेरे को भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है वे। ठीक है भाई मैं दी, ओ तेरी, चलो यार कार तो मिल गई, कार तो मिल गई यार। बंदे बिंदे तो नहीं है ना यार, देख समझ के जाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे यार कुंती कार तो नहीं आ रही है यार, पर जाली लगे वाली है यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे कैसे जाओगे भाई? नहीं जाली टापिंग आ गया, नहीं भाई जाली नहीं टाप सकता इन्हें, बहुत बड़ी है भाई। वहाँ पे कार तो है भाई, कार का भाई मैं सपोर्ट तो ले ही सकता हूँ यहाँ पे भाई। अब मेरे को स्लो मोड से थोड़ा हट के भाई दिमाग विमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई यहाँ पे बंदे बिंदे तो नहीं है ना? ठीक है चलो चलो चलो, अच्छा चल निकलते हैं। ओके भाई वो बंदों का ध्यान उधर है तो यार मेरे को यार कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक भाई ठीक है चलो यार, मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊँगा, सामने भी कोई बंदे नहीं है। ओके चलो मैं भाई अच्छा चल निकलता हूँ यहाँ से। वो बंदे भाई मेरे को देख नहीं रहे, उनका भाई ध्यान उधर है। ठीक है चलो, ऑल राइट गाइस, चलो यार अब अपने यहाँ से का। ओके अभी ये क्या पड़ा है भाई, शॉर्ट सर्किट होगा वो बक्से में, समझ में नहीं आ रहा चल जा रहा है इनके इधर। ठीक है भाई चलो यार, पर फटाफट भाई कार में बैठता हूँ। ओके चलो भाई, ओपन थी भाई कार इधर भाई, मिलिट्री बेस में ओपन ही रहती है कार। ठीक है भाई, हेलीकॉप्टर तो नहीं घूम रहा है यार, उसको क्या मालूम भाई। मैं ये हूँ यार, दूसरा बंदा मतलब यार मिलिट्री का बंदा भी हो सकता है ना। तो यार मैं सामने से नहीं जाऊँगा क्योंकि सामने भाई बंदे रहते हैं। देखो भाई सिर्फ टावर तक जाना। ओके भाई वहाँ पे भी बंदा है यार, वहाँ बंदे का आउटफिट पहन लू गया वो भाई। ये भी एक वेयर हाउस है, इधर भी हो सकता है, बट यार मेरे को उधर ही सका आ रहा है। ठीक है ना, अभी तो भाई मेरे पास गाड़ी है इसलिए मैं ज़्यादा तो घूम नहीं सकता। वो तेरी भाई बंदे उधर देख रहे हैं मेरे, यही फ़ायदा हो सकता है। ओके चलो ऊपर भाई ट्रेनिंग चल रही है। हाँ भाई ये देखो, ये देखो, ये सब वेयर हाउस खुले हैं, यहाँ पे भाई ज़्यादा बंदे नहीं है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो गया। तो भाई किसी भी तरह टावर में जाना होगा और हेलीकॉप्टर से भाई बच समझ के जाना होगा। चाहे भाई बंदे आई थिंक ऑफ बहुत कम लोगों की नाइट ड्यूटी है। वो तेरी यार हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है इधर। ठीक है भाई चलो, मैं फाइनली भाई टावर में तो आ ही चुका हूँ। अरे यार टावर के पास भाई बंदे हैं खड़े वाले। अरे यार इन्हें तो टावर के पास ही घूम रहा है भाई ये बंदा। भाई निकल ले भाई, वो बंदे को मेरे को मारना पड़ेगा, बिना मारे मैं नहीं जा सकता हूँ, बेहोश करना पड़ेगा भाई गोली। भाई इधर से मैं निकल पाऊंगा क्या? भाई
भाई यार, मेरे को खुद को नहीं समझ रहा यार, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है भाई, करूँ तो करूँ क्या? भाई यार ऊपर हेलीकॉप्टर है भाई, देखना लिया मेरे को बस। भाई यार मैं यहाँ से निकल सकूँगा क्या? ये बंदे को सिर्फ मेरे को यार बिकाना है बस। अरे यार माइकल आवाज़ मत कर यार, उधर हेलीकॉप्टर है भाई, वाट लगे पड़े वाली है, मेरे को हेलीकॉप्टर से बचना है भाई बस। यार मेरे को भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे रे 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 रे, बच गए भाई, ठोका बिकानी, नहीं तो भाई वो बंदे को आवाज़ जाती थी। अरे रे रे भाई, देख के चला यार माइकल। ओके चलो, हेलीकॉप्टर उधर गया यार, इसको क्या मालूम पड़ रहा है यार, मैं इसको तो यही लगेगा कि मैं भाई क्या बोलते हैं यार, चेकिंग के लिए घूम रहा हूँ। आई मीन भाई क्या बोलते हैं, राउंड राउंड मार रहा हूँ भाई, इधर से उधर। ओके यहाँ पे बंदा खड़े वाला, अच्छा हो गया बंदे देखा नहीं। अबे भाई इधर से मैं जाऊँ कैसे, वो नहीं समझ रहा है, बंदा मेरे को देख सकता है ब्रो, इधर बंदे ही बंदे हैं ब्रो भाई। अब मेरे को यार रिस्क लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है भाई मेरे पास, ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। वो हेलीकॉप्टर को एक बार उधर जान दो भाई, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और मेरे को वो टैंक किसी भी हालत में भाई छुड़ा के जाना है। ऑल राइट गाइस, भाई माइकल ने भाई फाइनली गन निकाल लिया, और भाई मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई मैं इसे छुप के यहाँ पे जाओ, बाकी हेलीकॉप्टर भाई अपनी मरवा रहा है। अब भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं भाई यहाँ से छुपूंगा और यहाँ से अब निकलूँगा, छुप के मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ भाई, फाइटिंग लेना ही पड़ेगा। बाकी मैंने देखेंगे भाई, अब जाऊँगा भाई, पता चल रहा है इसको, भाड़ में जाओ रे 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 रे, कहाँ से निकला ही नहीं। अबे मरना भाई, छोड़ो भाई आप लोग, चुपचाप भाई ऊपर निकलना बस। ओ भाई सिर्फ एक बार गेट खुल गाना बस, खत्म भाई। ये को भाई यार चाचा स्टार लग गए भाई, मिलिट्री बेस में आने को पता चल गया। मैं जैसे भाई उस पर एम लिया कि इनको भाई पता चल गया, मैं यार कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, मेरा दिमाग सरक सरक गया था। बाकी भाई यार अभी तक भाई लेस्टर को समझ जाना ही चाहिए, क्योंकि लेस्टर ने बोला जैसे तू टैंक लेगा 1 घंटे के अंदर, भाई 1 घंटा हो चुका है। मैंने यार लेस्टर को बोल दिया था यार 2 बजे तक भाई मैं तेको सिग्नल भेज दूंगा यार, 2 बजे से यार 1 मिनट भी जाता हूँगा तो तू समझ लेना भाई, मेरे पीछे पुलिस लगी, और ड्राइवर को भाई भूल के यहाँ मत भेजना। तो भाई लेस्टर यार अभी तक समझ गया होगा भाई, मैं फटाफट टावर के एकदम भाई टॉप में जाता हूँ, और भाई वहाँ से पहले मैं ये खोलूँगा, क्या बोलते हैं भाई, वो पहले वो गेट खोलूँगा, फिर भाई वहाँ से भाई मैं टैंक लेने वाला। तो चलो भाई मैं फटाफट पहुँचता हूँ यार, भाई बहुत ऊपर है भाई टावर, बहुत ज़्यादा ऊपर भाई, इनको जब तक पता चलेगा भाई, जब तक तो मैं एक बार में यार वो सिर्फ टैंक में बैठना है, बाकी नो भाई मैं कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ऊपर से भाई मैं मास्क पहने वाला हूँ ना, इनको भाई कुछ पता भी नहीं चलने वाला है कि भाई मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना? तो चलो यार भाई यार मैं ठीक है, चलो फाइनली पहुंच चुका भाई, बहुत लंबी सीढ़ी है भाई यार, इससे अच्छा मैं लिफ्ट ही यूज़ कर लेता, मुझे भाई बुद्धि मारे गई थी। कोई है क्या रे इधर? अबे 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 माइकल, इसको मार इसको मार इसको मार। ओ भाई 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 ने भाई बेटा ही था यार। ओ भाई ये क्या स्टार कम ज़्यादा हो रहे हैं भाई, इनको क्या मेरी लोकेशन नहीं मिल रही? हाँ भाई लोकेशन नहीं मिल रही, पर भाई बंदे बंदे बंदे। ओ अंकल निकलो यहाँ से, अरे रे रे रे, इनके सर्वर की वाट लगा दूंगा। तो ठीक है गाइस, ओ रहा और क्या बोलते हैं भाई वॉर हाउस, इसको भाई मैं फटाफट ओपन करता हूँ। ठीक है यार आई थिंक भाई यहाँ से मेरे को करना चाहिए, तो चलो यार मैं फटाफट इसको ओपन करता हूँ भाई। फाइनली गाइस मैंने जो है वो वॉर हाउस ओपन कर लिया, और हेलीकॉप्टर वाला मैं घूर के देख रहा। तो ये देखो भाई वहाँ पे भाई टैंक। अरे रे 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 भाई माइकल, करना क्या चाहता है तू? ठीक है गाइस, ये भाई वो तेरी भाई कितने सारे टैंक है उधर, और वो ब्लैक कलर का टैंक होगा भाई आई थिंक वो, ये भाई मैं उसी उसके अंदर कैसे भी जाके बैठना है। और बाकी ये ग्लास टूट सकती है क्या? नहीं भाई बुलेट टूका, बुलेट टूका नहीं टूटेंगी। चलो यार यहाँ से निकलते यार, मैं बाई चांस यहाँ से जंप मार लेता था, बाकी मेरे पास पैराशूट है, जंप मारना था तो मार लेता था। अब निकलते भाई फटाफट यार, मेरे को यार बंदों को भाई किसी भी तरह संभालना पड़ेगा। वहाँ पे भाई कार हो गाड़ी है अपनी यार, तुमको पता ही होगा, गाड़ी में भाई मैं बैठ के फटाफट निकल जाऊँगा। चलो भाई फटाफट यार नीचे जाते और निकलते भाई, वो टैंक में एक बार बैठ गाना, मैं फटाफट यहाँ से सिटी और निकलूँगा। और सिटी में यार तुमको पता है टनल है, और टनल में जाकर भाई छुप जाऊँगा यार, तुमको पता है वो टनल में भाई पुलिस आती ही नहीं है भाई, मेरे को ही नहीं मालूम यार क्यों, वो अपने लिए ही बनने वाली है आई थिंक भाई GTA वालों ने।
सही बता रहा हूँ। ठीक है गाइस यार, ये मेरे यार मत्ती मारी गई थी यार, लिफ्ट यूज़ नहीं करा यार बातों बातों में। और गाइस जिसे लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा कर देना, बेल आइकन यार ऑल पे प्रेस कर देना। 50 लाइक का तो मैंने तुम्हें एम दिया है, ठीक है यार कर ही देना यार। चलो 50 ही रखते हैं, आई थिंक भाई इस बार कंप्लीट हो ही जाना चाहिए भाई 50 लाइक। यार मैं तो सोच रहा था 20 का ही दूँ, बट यार तुम बोलो भाई इतना छोटा, भाई सोचना है तो बड़ा ही सोचो ना। लोकेश गेमर का नहीं 1 मिलियन लाइक का है, उसको यार मिलेगी नहीं अभी तक पता नहीं, बट बोलते रहता है भाई लोकेश गेमर। ठीक है यार, मैंने नाम क्यों ले लिया यार यूट्यूबर का, यार छोड़ो। ठीक है भाई चलो यार, मैं फाइनली भाई नीचे पहुंचने ही वाला हूँ, और मेरी यार वाट लगने वाली है। बंदे देखो भाई मैप में, सिर्फ तुम यार बंदे देखो, जूम कर रहा हूँ नीचे, सिर्फ तुम मैप देखना, सिर्फ ये देखो मैप। यार बंदे आजू बाजू भाई घेर के बैठे, बंदे घेर के बैठे भाई, इस तरह से ना प्लानिंग कर रहे हैं ना। ठीक है चलो 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 चलो। ओ हाँ भाई 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 बंदे, अरे रे 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 अंकल 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 अंकल, आओ मत आओ मत आओ मत भाई, मेरे को सिर्फ वो गाड़ी तक जाना है बस, वो सिर्फ गाड़ी तक जाना। अरे रे 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 भाई, बहुत बंदे बहुत बंदे बहुत बंदे बहुत बंदे बहुत बंदे बहुत बंदे बहुत बंदे, निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले, माइकल 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 निकल ले भाई 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 भाई, सिर्फ कार में बैठ ले माइकल माइकल। आर्मर भाई, अबे ये क्या था भाई, अबे ये क्या पड़ा था भाई, और ओ तेरी भाई, और तुम्हारा बनाया इंकिच कार है भाई, बुलेट प्रूफ है भाई, उसमें यार क्या है बुलेट प्रूफ कार है, आप तुम समझ ही होंगे बुलेट प्रूफ का मतलब भाई गोलियों का मेरे को कुछ असर ही नहीं होने वाला है। ठीक है चलो यार, मैं फाइनली पहुँचने वाला, और यार बंदे वहाँ पे थे सब घेर के बैठे वाले, वो नहीं भाई बंदे है बंदे है, कार आ रही है, आ तेरी बनाओ भाई नेता। ओके चलो गाइस, मैं यहाँ टैंकन आ चुका हूँ, टैंकन भाई एक भी बंदा नहीं। अरे माइकल नहीं भाई, माइकल मजाक में मत ले, टैंक में बैठ टैंक में बैठ टैंक में बैठ। अरे रे 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 भाई बच गया भाई भाई भाई, भाई माइकल बढ़िया। ओके चलो बैठ गया, आओ आओ तुम्हारा बनो भाई इनके। अबे यार नहीं माइकल, क्या कर रहा है ये, अबे भाई तुम्हारा ही टैंक है क्या, उखाड़ोगे मत करो भाई, वो टैंक तो शांति बैठेगा भाई, लिख लो भाई 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 भाई, अबे भाई बे 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 भाई यार, ये टैंक से पंगा लेने बैठूंगा ना मेरी वाट लगेगी। अरे रे 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 रे, ठीक है ठीक है ठीक है, इजी पीजी पीजी। ओ भाई क्या ही मारा यार, मेरे को यहाँ से पहले सिटी की ओर निकलना पड़ेगा, वो सिटी है आप लोग भाई, सिटी में निकलना पड़ेगा भाई, टनल यार मार कर लेता हूँ टनल भाई, ये इधर किधर तो होनी चाहिए भाई टनल। ठीक है यार निकलते निकलते, इजी पीजी पीजी। अबे यार ये बंदे भाई रुक लो सालो, मैं यार टैंक को नहीं खेता यार, टैंक को छोड़ दिया, जान दो भाई टैंक का यार, 3-4 गोलियां मारे बिना तो नहीं मरेगा। बाकी इनके पास ये जो टैंक है इनका भाई कोई सोल्यूशन नहीं है, अब इन्हों भाई हमला भी कैसे करेंगे भाई, इनका टैंक है क्या उखाड़ेंगे, रुक लो सालो। तुम्हारे भाई मिलिट्री बेस में घुस के उखाड़ा हो, अब जनरल यार शांत तो नहीं बैठेगा, बट मैं कर भी क्या सकता था भाई, मेरे को टैंक नहीं मिला, कुछ कर भी नहीं पाऊंगा भाई। अरे रे 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 गाड़ी गई, अबे हट साले, अबे यार एम गलत बिड़ गया आई थिंक मेरा, ले भाई बस। ओ तेरी यार एम एम ले लेके मारना पड़ेगा इनको। अरे रे रे कितनी गाड़ी आ रही भाई, कितनी गाड़ी आ रही, लिटरली भाई पूरा मिलिट्री बेस का एरिया घिर के बैठे ना। आ जाओ भाई तुम्हारा बनाओ मैं नेता, बाकी यार बहुत सॉलिड टैंक है मुझे बताओ। अबे यार हेलीकॉप्टर के लिए थोड़ा उन्हें सामने आना चाहिए। अरे रे रे बराबर चल मेरे भाई, यार अब भी मैं इनसे फाइट करते बैठूंगा ना तो मेरी यार वाट लगेगा। बाकी यार ये टैंक को कुछ होने से रहा भाई, कुछ भी नहीं होगा, इतना सॉलिड टैंक का बोल रहा था। का रे तू निकल साले हेलीकॉप्टर की चोदे। ठीक है भाई यार क्या ही उखाड़ लोगे भाई नो मेरा। अरे यार कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगे भाई नो मेरा कुछ नहीं। अरे रे 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 रे, अबे यार टैंक फिर गा भाई मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है, इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे भाई तुम, तुम्हारा ही टैंक है ना तुम्हारे पास, इसका कुछ सलूशन ही, इसको भाई हराए तो हराएगा ही। अरे रे 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 भाई क्या ही तो भाई मचा रहा है ये, हटो अच्छा आज थोड़ा तू सामने यार, पीछे की तरफ नहीं हो रहा ये टैंक यार, आगे मारने काम कर।
ओ भाई क्या ही दिख रहा है यार टैंक। ओ भाई आतंक मचा रहा हूँ मैं इधर, और पुलिस वालों को खबर कौन ने दिया बे। लिटरल यार मिलिट्री वालों ने बोल दिया होगा भाई सिटी में आ रहा है यार। ये हेलीकॉप्टर वालों को क्या ही बताओ, छोड़ो भाई यार ये हेलीकॉप्टर वाला चेहरा बनाओ। हाँ अरे ऊपर चलेगा, तू रेंज में आ रहे तेरा बनाऊ मैं नेता, तू रेंज में आवा। ओ तेरी क्या ही मार रहा हूँ यार मैं, लिटरली इतना इतना भाड़ा। अरे रे 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 गया, अबे 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 पलट रहा नहीं थे वही समझ रहा नहीं बैठता हूँ। ओ भाई आतंक देखो भाई आतंक आतंक देखो सिर्फ भाई, मेरे को अभी यहाँ से निकलना है टनल में पहुँचना है। अरे यार हड़िया भाई यार बहुत स्लो है भाई इसकी स्पीड, अब टैंक का भाई इतने वजन के साथ तो भाई फास्ट भागेगा नहीं, नहीं भागेगा भाई फास्ट, स्लो स्पीड है वो चीज़ क्या। 50-60 मैक्सिमम होंगी भाई 80 तक समझ लो। अरे ये जब तक मेरे पीछे लगे रहेंगे ना इन्हें भाई, अबे यार ये भाई ये एक लिमिट है भाई इसकी मारने की, ये टैंक है मैं क्या ही बताऊँ। ओके ओपी 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 जी पी जी जी पी जी जी पी जी। अरे रे 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 हटो तुम्हारा बनाओ मैं नेता। अबे भाई बेचारे निर्दोषों को मार दे रहा हूँ भाई मैं तुम्हारे पीछे, रैंडम बंदे भी मर जा रहे। अरे यार एम लेके मारना पड़ेगा यार, बाकी ने आरपीजी के मान लेस्टर ने बोला था भाई आरपीजी यूज़ करने जा रहा था टैंक ही यूज़ करो पड़ता रहता भाई अनलिमिटेड मारते रहो बस, सही बोला था भाई लेस्टर ने देखो भाई। अरे 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 भाई क्या ही मारा भाई वो क्या ब्लास्ट हो रहा है भाई। अरे रे रे लग गया, अब भाई जनरल छुपने बैठेंगे ऐसा तो लेस्टर ने तो पहले ही बोल दिया था भाई जनरल छुपने बैठेंगे इसके लिए यार। पता नहीं जनरल भाई कर रहा क्या है कुछ समझ में नहीं आया जनरल का ना, मिलिट्री सिर्फ सर्वर चेंज करा लेस्टर ने इतना बोला बस, कर रहा क्या है जनरल वो भी समझ में नहीं आ रहा। अरे जाम करोगे इतने बड़े हो गए आ जाओ भाई, गलती से मेरा एग्जिट का बटन दबकाना मेरी लग गए भाई, वाट लंका लगेंगी मेरी। अरे रे रे भाई आतंक देखो आतंक आतंक मच गया भाई इधर तो लिटरली, निकलो तुम्हारा बनाओ मैं नेता भाई। अभी ये टैंक को तो भाई सुरक्षित जगह पे लेके जाके रखना पड़ेगा क्योंकि भाई पुलिस वाले आप शांत नहीं बैठेंगे ना मिलिट्री वाले ना जनरल, जनरल की ऐसी की तैसी उसका बनाऊंगा भाई एक दिन जनरल का मैं नेता। बट एक बार मेरे को यार टनल में पहुँचा दो यार, ओ भाई आतंक किए देखो आतंक मचा दिया भाई ने आतंक पूरा। ओ भाई क्या ही है भाई हेली, अरे रे रे टैंक भाई हल्का है क्या भाई ये टैंक तो यार छोड़ो इनका, बट चर्रा मस्त है वो जो मिलिट्री के भाई सारे टैंक नहीं रहते वो भाई इतने खास नहीं रहते, बोले चलते नहीं है भाई इतने स्पीड में, बोले तो इतने स्पीड में नहीं चलते वो तो स्लो ही रहते वो कुछ काम नहीं। अबे यार इन्हें छोड़ दो ना भाई टैंक आ तुम्हारा कुछ कर भी नहीं पाओगे तुम मेरे ये टैंक के अंदर ना ना ना। ओ भाई आतंक मचा दिया अबे लिटरली पीछे देखोगे, ओ भाई साहब है आतंक मचा वो ठीक है ईजी पीजी। ओके चलो अपन टनल के पास पहुँचने ही वाले भाई, अगर रास्ता इधर से भाई टनल का। ओके चलो, अरे नहीं 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 अटक जाऊँगा नहीं नहीं अटकूँगा। अरे रे 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 इसकी वाट लग गई है तो आई थिंक भाई टनल यहाँ ही होनी चाहिए। ओके चलो सामने ही भाई टनल निकलते भाई इधर से, निकलो सालो तुम्हारा बनाओ मैं नेता। अरे रे भाई रास्ता ब्लॉक ना हो जाए मेरा, आओ बेटा तुम आओ तुम्हारी टनल में तुमको ही घुसाऊँगा मैं, आई मीन भाई मेरी मेरे लिए बने आ जाए भाई खा जाए टनल। अबे जा नहीं रहा है ना ये, ओके ओके आ रहा है भाई ये पुलिस वाले टनल में नहीं आते भाई ना ही आए तो अच्छा। अबे वो अबे सामने अबे ये क्या लपड़ा है, नहीं भाई ये गाड़ी वाले ने देख लिया था आई थिंक मेरे को आते आते बोल क्या अब चले। ओके चलो क्या बोलते हैं भाई बन चालू हो रहे स्टार ब्लैंक क्या कुछ तो बोलते हैं भाई, आई थिंक आप चले ही जाना चाहिए भाई ये खास अपने लिए बना लिया भाई टनल, कोई कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे अपना भाई, बाकी टैंक बढ़िया है कुछ भी बोलो टैंक बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। ठीक है भाई सभी मेरे को यार एंडिंग तक निकलने के लिए थोड़ा तो अंदर घुसना पड़ेगा जिससे इनको मेरी लोकेशन ही ना मिले,
पता नहीं भाई कैसे ढूंढ लेते हैं पुलिस वाले, ऊपर 8 पुलिस वाले लग गए एक साथ, कोई 5 लग गए भाई। पर ये इनकी जब कार चुराया 4 ही लगे थे, 4 या 3 कितने तो लगे थे भाई पता नहीं। ठीक है चलो निकलते यार, चले जाएंगे अभी, चले जाओ ना। क्या है भाई मिलने से रहा हूँ मैं तुमको, बट वो पुलिस वाले ने कार वो सही डाला था भाई अंदर, ये बता रहा हूँ। ठीक है चलो इजी पीजी, इजी पीजी। ओके चलो पहुँचने वाले अपन वो वाली जगह पे जहाँ से भाई पानी बहता है। ओके चलो ये वाली जगह, अबे कार जाएंगे कि नहीं? अरे रे रे रे, रे टैंक को भाई पलटा के लेके जाना पड़ेगा, वाट लग गई ना अपनी भाई। अब ये टैंक को मेरे को जरा किस्मत के भरोसे चलाना पड़ेगा। ठीक है भाई चलो यार, मेरे को इसको टैंक को भाई बराबर तरीके से लेके जाना पड़ेगा, मतलब यार पलटा के लेके जाना पड़ेगा। एक मिनट यार, इसको थोड़ा हार्ड है ये, ट्राई करता हूँ। और राइड गाइस, चलो यार ट्राई करने की भी क्या कर रहे भाई, पुलिस वाले निकल गए तो भाई यार मैं पहले इसको लेके तो चले ही जाऊँगा यार, ये अटक गया यार, अब मैं कुछ कर नहीं सकता यार, निकाल ही लूँगा भाई। ठीक है यार ट्राई करता हूँ यार निकालने का, टैंक जैसे कर तैसे करके भाई निकाल लिया। तो भाई चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और गाइस जिसने लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा कर देना, जिसको यार मेरे को बात करने की रहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके यार बात कर सकते हैं, मैं वहाँ पर एक्टिव ही रहता हूँ भाई 2400 घंटे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।